हेलो भैया, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास इंसेक्ट्स किलर है लीडो का, और इसमें हमारे पास इशू यह है कि बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। इसके अंदर रॉड हैं, ये भी इसकी नहीं चल रही हैं, और इसका जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा आप ये किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो ये मेरे पास सप्लाई है 220 की, आप देख सकते हैं इसके अंदर करंट आ रहा है, सप्लाई हमारी ऑन है। तो मैं इसके अंदर इसका प्लग लगाता हूँ। तो ये मैंने प्लग लगा दिया है इसका, और आप देखें बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है ये। इसके साइड में ये बटन है, ये भी मैं ऑन करके देख लेता हूँ। ये बटन है और बटन मैं ऑन करके देख लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कोई इसमें वर्किंग नहीं है। तो हम इसको खोलेंगे, आज चेक करेंगे इसमें क्या क्या इशू हैं। तो आइए इसको खोलना शुरू करते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले आप पावर इसकी रिमूव कर देंगे। पावर रिमूव करने के बाद आप इसकी ट्रे पहले रिमूव कर दें, क्योंकि ट्रे इसकी बाद में ख़राब होने के चांसेस हैं। टेढ़ा मेढ़ा हम करेंगे इसको, तो सबसे पहले आप इसकी ट्रे रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपको ये स्क्रू नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, एक दो तीन, ये तीनों स्क्रू हम ओपन करेंगे तो ये कवर हमारा ओपन हो जाएगा और फ्रंट से भी ये ओपन हो जाएगा। तो स्क्रू मैंने इसके तीनों ओपन कर लिए हैं, उसके बाद हम इस कवर को ऐसे ही हटा देंगे। कवर इसका रिमूव हो गया। अब ये जो टॉप कवर है इसको भी आप खोल लेंगे। इसको आप निकालने के बाद आराम आराम से निकालेंगे, ये निकल जाएगा कवर आपका। तो आप देख सकते हैं ये इसका टॉप कवर भी रिमूव कर दिया है मैंने। उसके बाद इसको फ्रंट से देख लेंगे हम। इसका बटन चेक करेंगे पहले, हो सकता है इस बटन का इशू हो। 220 की सप्लाई पहले इस बटन पे आती है फिर आगे जाती है। अपने ये स्टार्टर चेक करेंगे, रॉड चेक करेंगे, ये चॉक चेक करेंगे इसका, और मेन चीज़ जो इसका ये ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज का, इसको भी चेक करेंगे। बटन को चेक करने के लिए आप इसको पहले लिटा लेंगे। मैंने अपने मीटर को कंटिन्यूटी पत्थर पर सेट कर लिया है। तो फिर हम बटन को चेक कर लेंगे। बटन हमारा अभी ऑफ पोजीशन में है, हमने अपने ये प्रॉब रख ली हैं। अब इसको ऑन करेंगे तो ये बीप दे रहा है, बटन हमारा बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम इसमें आगे है, तो आगे फाइंड आउट करेंगे क्या इशू है। तो हम यहाँ से प्लग से लेके ट्रांसफार्मर तक सप्लाई चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेजेस यहाँ तक आ रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी सही है, इसमें तो वायर में तो कोई इशू नहीं है। इसको चेक करने के लिए यहाँ से इसका ये टेपिंग खोल लेंगे हम, तार यहाँ से अलग कर लेंगे दोनों। तो वायर मैंने अलग कर ली है, जो हमारी 220 की सप्लाई है वो यहाँ तक आती है। कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे बटन को ऑन पोजीशन पे रख के। तो ये ब्लू वायर में हमारी सप्लाई आ रही है, और वाइट वायर भी चेक कर लेते हैं, और वाइट वायर में भी हमारी सप्लाई आ रही है। तो ये तो वायर तो चेक हो गया हमारा कि वायर हमारा सही है, बिल्कुल यहाँ तक सप्लाई आ रही है। अब अपने ट्रांसफार्मर को हम डायरेक्टली चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा करंट दे रहा है आगे या नहीं दे रहा। तो ये ट्रांसफार्मर को इसमें से खोलने के लिए आपको जो दो इसके वायर हैं ये आप निकालेंगे। ये नीचे से निकलेंगे जाली में से, मैं आपको बताऊँगा किस तरह निकलेंगे। इन वायर को रेड वाले निकालने के लिए हम ये नट स्क्रू ओपन करेंगे। इसके अंदर ये दो स्क्रू इधर हैं, एक स्क्रू ये है, और ज़रूरत पड़ी तो हम ये भी खोलेंगे। अगर ये ऐसे ही निकल जाता है तो इस स्क्रू को खोलने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। स्क्रू ओपन होने के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे करके इस प्लास्टिक को यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब भी रिमूव हो जाएगा तो इसके ये दो वायर हैं ये इसमें ऐसे ही टले हुए होते हैं, लगे हुए नहीं होते, तो आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद ये वायर आप यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर के ये दो स्क्रू लगे हुए हैं ये आप ओपन करेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर इसमें से बाहर आ गया है। इस ट्रांसफार्मर को हम डायरेक्ट चेक करेंगे। इसमें ये 220 की सप्लाई है, ये जो वाइट वायर हैं ये लिखा हुआ है, और ये आउट है जो हाई वोल्टेज आउट होता है जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक होता है। तो हम ये डायरेक्ट 220 में लगा के देख लेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये मेरे पास 220 की सप्लाई है, हम इसको यहाँ से प्लग इन करेंगे।
आप जब इसको चेक करेंगे तो एहतियात से लगा के देखेंगे, क्योंकि ये हाई वोल्टेजेस देता है, इससे कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा शॉक दे सकता है। तो ये मैंने इसके तार लगा दिए हैं, और जब मैं जब इसको टच करूँगा तो ये स्पार्क करना चाहिए, ये स्पार्क नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं इसमें कोई स्पार्किंग नहीं हो रही। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है, असल जो मसला है इस ट्रांसफार्मर में है, तो ये ट्रांसफार्मर रिप्लेस करेंगे। तो भैया ट्रांसफार्मर मैं इसका ले आया हूँ जाकर, पुराना दे के हमने ये 800 रुपीज़ दे के ये नया ट्रांसफार्मर ले लिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, अगर ये सही होता है तो इसके वायर्स हम लगा देंगे अपनी सप्लाई में 220 की, और ये एहतियात से लगाएंगे आप लगाते वक्त। ये वायर्स मैंने इसके लगा दिए हैं, और अब हम इसको चेक करेंगे। जब भी आप इसको चेक करेंगे एहतियात से करेंगे, इसके दोनों तार मिला के 220 सप्लाई दे के आप जब इसके दोनों तार टच करेंगे तो आप ये देखेंगे इसका साउंड। अगर ये ख़राब होगा तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, अगर ये सही होगा तो कुछ इस तरह वर्क करेगा। ये आप देखेंगे, तो इस ट्रांसफार्मर को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। ट्रांसफार्मर को फिक्स करने के लिए आपको ये तो होल जो नज़र आ रहे हैं जहाँ आपने खुला है, सेम उसी तरह इसको प्लेस कर देंगे। ये सेम टू सेम होता है फिटिंग के अंदर, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये फिक्स होने के बाद आपको ये तो जो इसके होल नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से वायर को पास कर देंगे अंदर। उसके बाद आप इस वायर को 1 by 1 इसके ऊपर प्लेस करेंगे। कोई सी वायर आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक वायर आप इसमें लगा देंगे और एक वायर इसमें लगा देंगे। ये दोनों वायर लग गई, उसके बाद इसकी स्लीव लगा देंगे। स्लीव आप किस तरह लगाएंगे, एक बड़ी है और एक छोटी है, वहाँ पे उसी हिसाब से लगेगी। जो रॉड छोटी है वहाँ पे बड़ी साइड रखेंगे आप। दोनों स्क्रू लगाने के बाद इसके जो वायर्स हैं ये हम कनेक्ट कर देंगे 220 के। बाद इस पर टेप कर देंगे आप। टेप आप इसमें अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि अगर इसकी कहीं से लीकेज होती है, ये पूरा स्टील बॉडी है तो इसमें करंट फ्लो कर सकता है। टेपिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो अभी हमने इसका ट्रांसफार्मर लगाया है वो शॉक सही कर रहा है। उसके बाद इसके रॉड्स चेक करेंगे कि रॉड में क्या इशू है। फिर अब हम इसकी पावर प्लग इन करके देखेंगे कि हमारा शॉक जो है इलेक्ट्रिक वो इसमें काम कर रहा है या नहीं। इलेक्ट्रिक शॉक चेक करने के लिए आप इसमें कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लें जो ऊपर से इंसुलेटेड हो, जैसे ये है स्क्रू ड्राइवर, तो आप इसमें जब ये देखेंगे लगा के तो ये शॉक देगा। तो ये आप देखें और ये देखें, तो इसमें शॉक आ गया है। अब हम इसकी लाइट्स चेक कर लेंगे। लाइट्स चेक करने के लिए आप इसको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद इसको हम फ्रंट से खोलेंगे, इसके स्टार्टर सबसे पहले चेंज करके देखेंगे, स्टार्टर्स का इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये नहीं चल रही हो। फिर उसके बाद रॉड्स चेक करेंगे, उसके बाद चॉक चेक करेंगे। तो इसको फ्रंट से हम खोलना शुरू करेंगे अभी। फ्रंट से खोलने के लिए आपको 3 स्क्रू इसके नीचे मिलेंगे, 1, 2, 3, और 3 स्क्रू इसके ऊपर मिलेंगे। ये फ्रंट की ग्रिल इसकी रिमूव होगी और इसकी सफाई भी हम करेंगे। तीन स्क्रू खोल लिए हैं नीचे के, 3 ऊपर के भी खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद आप इसकी जाली को ऐसे ही उठा लेंगे। जाली जब आप इसके उठा लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ स्टार्टर हैं। स्टार्टर को एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे और निकाल लेंगे।
स्टार्टर सबसे पहले हम चेंज करके देखेंगे ये दोनों। ये मेरे पास दूसरे स्टार्टर हैं, हम इसमें ये इंस्टॉल करके देखेंगे। तो भैया स्टार्टर मैंने इसके दोनों चेंज किए हैं, अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। प्लग मैं इसका लगा रहा हूँ। तो भैया आप देख सकते हैं इसकी लाइटें भी ऑन हो गई हैं। इसमें सिर्फ एक स्टार्टर का मसला था, स्टार्टर का प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि दो स्टार्टर हैं, कोई ना कोई एक वीक भी होगा तो ये आपकी एक रॉड भी नहीं जलेगी क्योंकि ये एक चौक से दोनों रॉडें जल रही हैं सीरीज में लग के। तो भैया आइए इसकी बाकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद ये जो इसकी हमने जाली निकाली थी हम पहले लगाएंगे, जो मुड़ी हुई साइड है ये नीचे रहेगी। तीनों स्क्रू उसके लग गए हैं, अब इसका टॉप कवर लगाएंगे। इसके बाद ये कवर इसका लग गया, अब आप इसके स्क्रू लगा देंगे। यहाँ तक हमारा काम हो गया, अब इसकी ट्रे भी लगा देंगे हम। ट्रे भी मैंने इसकी लगा दी, अब हम इसको फाइनल चेक कर लेंगे ऑन करके। तो अब मैं इसका प्लग लगा के देख लूंगा। तो व्यूअर आप देख सकते हैं इसकी दोनों रॉड भी ऑन हो गई हैं और इसका स्पार्क भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, तो भैया हमारे इस इंसेक्ट किलर में दो स्टार्टर ख़राब थे और इसका मेन ट्रांसफार्मर ख़राब था जो हमने चेंज किया इसके अंदर। भैया ट्रांसफार्मर आपको मार्केट से मिल जाता है, ये पुराना देखे अगर आप लेंगे तो 800 रुपीज़ वो आपसे लेंगे और अगर आप नया ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये 1500 रुपये का मिलेगा, लेकिन इतना ईजिली मिलता नहीं है, बहुत रेयर इसका ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज का। और स्टार्टर आपको मिल जाते हैं शॉप से 50 रुपीज़ का। तो इसके अंदर हमारा जो टोटल इस कॉस्ट आई है इसको सही करने के अंदर 850 रुपीज़ आई है और ये बिल्कुल सही हो गया है। तो फिर आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो फिर आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।